देखिए भैया, हम बिरहा गायक कलाकार देवचंद चौहान एवं साथी आप लोगों के सामने एक बिरहा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस बिरहा को सुन करके आनंद लेंगे और स्नेह दुलार प्यार जरूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। कहना बा मास्टर जी कैसे चाँद बिना रजनी अनार लागे दुनिया में सूर्य बिना शोभा न पावे दियाना नीर बिना सरिता अधीर होली धरती पे गंध बिना गंभीर होला सुमनवा मयनावा कीर्ति बिना मानो को गरिमा न मिलती कि भाई बिनु भाई पर बिरहा में एक लाइन टुकड़ा लगल मास्टर जी कैसे बजा दे बाबा कि मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया तो मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया चाल किया प्यार मांगा था प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा बिरहा में कितना सुंदर कवि जी भाव लिखत हो मास्टर। मेरे मालिक बता, मेरे मालिक बता किस पर कोई विश्वास करे, तो मेरे मालिक बता किस पर कोई विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास करे। मास्टर जी जिसको समझा था अपना, जिसको समझा था अपना वही आज घात करे। देखें हमारी कहानी का शुरुआत बा कैसे बजा के गुरुजी। जिला उज्जैन हंस रही मनौता भी शर्माई है, श्यामा यादव के बस दो ही थे संतान रहे, बड़ा था शंभू छोटा सोहन दिल अरमान रहे। कुछ ही दिनों में बाबू का स्वर्गवास हुआ, कुछ ही दिनों में बाबू का स्वर्गवास हुआ, पिता की मौत देख शंभू भी हताश हुआ। बाबू कहानी उज्जैन नरेश के राजा के राज्य में एगो गरीब जिनका नाम श्यामा यादव बतावल गई, पत्नी का नाम गौतमी देवी और दुइयों को बेटा बा जेका नाम शंभू और सोहन। समय बीतत बा, गरीबी का हालात चरम सीमा पर बा, यदि दिन भर काम न करे तो सांझी बेर खाना का टुकड़ा दो रोटी नाम अवसर हुई। ये जौन आवे वाली समय बा, त्योहार जेके रामनवमी के त्योहार बतावल गई। सुबेरे की पहर में रोटी का टुकड़ा खा के बाबूजी गैलन है, दिन भर मजदूरी कैलन, सांझी बेर कुछ कीन के लेके आवत हूँ कि चल अब लेके घरे बचपन के खियाई। तो त्योहार बढ़िया से बीती, खुशी में बाणन। जे वहीं घर के तरफ फैलन, रास्तवा में आवत के समय में ट्रक हादसा का शिकार हो गईलन। एक बाद गांवपुर में सब शोहरत मचल कि श्यामू बाबू आवत रहा हाँ, उनका ट्रक हादसा से शिकार हो गईलन। गौतमी देवी सुनली और दोनों लड़का शंभू सोहन सुनलन दौड़ करके गईलन, बाबू की लाश के घरे लेके अलन, अंतिम संस्कार कैलन। अब तो हुए गो थेग रहल टूट गई, वो थेग जेवन रहल टूट गई और अधीर हो गईलन सब परिवार। माता भी चौका भाषण करके दोनों बचपन का परवरिश करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतल, मतारे भी धीरे धीरे हीन हो गईन, शुद्ध से खाना ना मिले, चौका भाषण से जन दो रोटी लिया बचपन के खियावे। मतारे भी एक दिन चारपाई पकड़ लेनी, और जब चारपाई पकड़ लेनी ए बाबू, दोनों बचवा आके माई के सर सोहला के कहथन कि माई बाबूजी तो छोड़ के चल गईलन, ए माई तू हूँ चल जेबू कहाँ, लेकिन जो है दुगो बेटा शंभू सोहन जी अथवा तो ले तो के जाए ना दिया ने माई, रो रो के कहत कहा माई गीत कलाइन बा रोई मारब ए राजा, रोई मारब राजा जय बाजो सवा, बिरहा में कितना सुंदर कवि जी भाव लिखत हवन। दोनों बचवा माई के सर के सहलावत हवन और रो रो के आंख में आंसू लेके कहत हवन का माई हो दिया में बात माई, गोतिया में बात माई, दूर दूर गोला खाना बात हरी समय आवत हुआ दोनों लाल की माई, जोले हमन का सांस परान चली न माई, भीख मांग के तो दवाई करावल जाई, अधीर मत होका। लेकिन माई कपार सहरावत है आ कहत है बेटा शंभू एगो हमसे वादा करा, कसम तो के धरावत केवन वादा, छोटा का बिरहा के तू हमी सहारा रे बेटा, भाई समझावत है कि बेटा हमारी मर गईला के बाद में हमार छोटका जन बेटा सोहन बा ओके एहसास मत होके दिहल कि ओकर माई बाबू धरती पर ना हो। वादा करत है बेटा के वही समझावत है आ इतने कह के माई दुनिया के छोड़ के चल बसली। दोनों लड़का मिल के गाँव पूर की मदद से माई का अंतिम संस्कार कैलन। बचवा अनाथ हो गैलन, चारों तरफ भीख मांगे लगलन। लेकिन गांव का जो मुखिया प्रधान बना सभी लोग मिल के सोहन के और शंभू के बुला के कहलन कि बेटा सोहन तो छोट बना लेकिन शंभू समझदार न बना, एगो बल्टा आ साइकिल किन के प्रधान जी देहला कहलन कि यही से तू अपन दूध बेच के रोजगार कर। धीरे धीरे दूध बेच के अपन जीविका शंभू बाबू चलावे लगलन। धीरे धीरे जब समय बीतल एगो दूगो कोठरी बन समझदारी आ गई। गाँव का लोग सोचलन कि अपने लड़का बनावत खात हन काहे न इनन के शादी ब्याह करा देवल जा। एगो सावित्री नाम की लड़की से शंभू का शादी करौलन। गाँवपुर के लोग अकरा के जब दुल्हन घर में अलिन सेज सजा के आ खोजत हैं कि हमार सैया हमारे लग गया यहाँ आय है। वही सुहाग की कच्छ में सोचत हैं आ विचार करते कि हमार सैया आई हैं तो हमारे संगे सुतियाँ बैठियाँ सुहर यहाँ और का सोचत हैं। मास्टर जी तर्ज लगा हमारी तर्ज का वह लाइन बा कभी जी बजावत हो गुरुजी। अरे पिया मिलल बा लल्ला मुंगावा देख के सपना वाले नाना दी कितना सुंदर कवि जी भाव लिखत हो मास्टर जी। सुहाग की सेज पर उस सुंदरी सावित्री इंतजार करते हैं अपन सैया का। अरे रतिया सुहाग के सजरिया जो है ले गुजरिया ए मितावा तिलावा धरती देखो सूरतिया अरे इतने में याद आई पाई वाली पतिया गुजरिया इतने में सुहाग की सेज पर सैया शंभू जी जब अलन देखलन तो इनका दांत लग गए। कहलन कि बा मालिक बा जैसन सोचल रही वैसे कहीं और खूबसूरत हमार दुल्हन मिलली। लेकिन ये सोच के आँख से झरझर झरझर आंसू आवे लगल, रोवे लगलन। दुल्हन कहते हैं कि सैया काहे रोवत हुआ हमके कारण बतावा। कहल कि का कारण बताई, आज हमार सुहाग रात है लेकिन माई हमके कसम धरा गई कि हमार छोट भाई जो सोहन है ना ओके कोनो बात का तकलीफ मत होके दिया तो हर दुल्हन भी आ जाई तो तनी ओके अपनी हिसाब से रखिया कोनो प्रकार के ओके हमारी छोट बचवा के दिक्कत ना होके। यही मारे हम रोत हैं। कहला कि बस इतना बात खातिन के सैया तो सुहाग रात की कसम, जब तक तुहार छोट भाई सोहन पढ़ लिख के जवान ना हो जाए और जब तक उनका शादी होके दुल्हन जब घर में ना आयन तब तक हमार और आपका शारीरिक मिलन नहीं हुई। कहला कि बारे मेरी सावित्री तुम तो सती सावित्री निकली। यह बतिया के सोच के आ शंभू अपन छोट भाई के पढ़ावत मन, धीरे धीरे हाई स्कूल पास करौलन, इंटर पास करौलन। आज जब इंटर पास कर भैलन सोहन तो एक दिन एगो भर्ती निकलल फौज का। तो भैया से सहमति लेलन कि का भैया हम फौज में जा सकिला। कहला कि वाह मेरे भाई वाह, आज लाइन का बात कहिला है बाबू जा। लेकिन जब भर्ती में गईलन सब कुछ निकल गई और जब मेडिकल में गईलन बाबू तो छट गईलन। आज जब छट गए तो रोवत घर में आइलन। भैया पूछत होन कि बाबू का भइल, क्यों कुछ कहल तो नहीं, क्यों ताना तो नहीं मारल? कहला कि ना भैया ताना तो ना क्यों मारल, लेकिन अगर 1 लाख रुपया रहल हो तो आज हम भर्ती हो गई लती, आज हमारी कंधा पर सितारा स्टार चमकते भैया, आज हम ना रोकनी। कहला कि ठीक बा, इतनी बात बा तो ठीक बा, हम पैसा का व्यवस्था करब। एक बाद तुरंत शंभू बाबू एगो डॉक्टर साहब के दूध देते रहना पहुँचला उनके यहाँ। आ जा करके कहन कि बाबू अगर हमारी बात पर विश्वास होके तो हमके 1 लाख रुपया दे दा, हमार छोट भाई सोन आज भर्ती हो जाई। आ भर्ती होला के बाद में तोहर रुपया सूद सहित हम लौटा दे। कहलन डॉक्टर साहब की हम हॉस्पिटल जरूर चलाइला लेकिन पैसा तो ना दे सकब। हमारी हॉस्पिटलवा में एगो मरीज भर्ती बा, ओकर बाई किडनी डैमेज बा। अपन बाई किडनी अगर दे देबा तो तोके 1 लाख का अम्बल के 1.5 लाख रुपया दिवा दे। घर की अपने पति की अपने भाई की चोरी चोरी जाके शंभू बाबू और हॉस्पिटल में अपन बाई किडनी निकलौलन और निकलवा के 1 लाख रुपया लेकर के अलन। आ लेके जब अलन तो बाबू सोहन के 1 लाख रुपया देहलन और दे के कहलन कि जा बाबू अब तुम भर्ती हो जा। तो जब भर्ती होके गलन 1 लाख रुपया लेके वो दलाल के माध्यम से देहलन। तो भाई का मास्टर तर्जबा तर्ज का लाइन बा गुरुजी कि साड़ी अपना पहिना राजा, कि साड़ी अपना पहिना राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी अपना, भाव लिखत हो कवि जी कैसे कि भर्ती होई गईले हो देखा, भर्ती होई गईले हो देखा, फौजा में जवनवा नंबर नहीं पर सोहेला कबर जी प्रभु आज झूमे लागल हो देखा धारावाया नवा, आज झूमे धीरे धीरे मेहनत कैलन बाबू सोहन फौज में भर्ती हो गईलन। आज जब भर्ती भैलन तो बाबू कारगिल की पहली सेक्टर में उनका पोस्टिंग भइल। 6 महीना की छुट्टी पर जब अलन घरे तिलकहरू का ताता लग गई। शंभू बाबू सोच गए कि अपन छोट भाई का शादी कर देती तो अच्छा रहा, लेकिन क्यों गरीब की लड़की से शादी करब। गांवपुर की मदद से अपनी भाई सोहन का शंभू बाबू जब तिलकहरू अलन तो एगो शीला नाम की लड़की से शादी कर दिलन। आ जब शादी कैलन दुल्हन घर में आई, 6 महीना रहल। एक बाद धीरे धीरे जब वो गर्भवती हो गई, बाबू छुट्टी पर से काट के अपन गैलन जब मिलिट्री की भर्ती में। आ वहाँ भर्ती चलत रहे, वही में वो मस्त बना। आ यार धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतल। आज जब 9वां महीना बीतल तो एगो सुंदर लड़का भइल। जब लड़का भइल तो लड़का भगवान के प्यारा हो गई। फौजी जवान जब ये बात के सुनलन कि हमारा लड़का भइल भगवान के प्यारा हो गई, दुखित हमन रोवत हमन। लेकिन फिर छुट्टी काट के अलन, दोबारा फार्म भरलन, फिर पहले ही जैसे रिकॉर्ड भइल, टूट गई रिकॉर्ड कि ये भाई पहला हमारा लड़का भइल तो मर गई, आ दूसर को भइल तो लड़का पैदा भइल फिर मर गई, तीसर की बात जब छुट्टी लेके अलन तौले तो इतने में उनकी ससुराल से खबर आ गई। खबर आयल कि सासू जी का तबीयत खराब बा। आ सोहन बाबू शीला के लेके आवत, भेंट मुलाकात हो जा। आ जब ससुरारी पहुँचलन सोहन तो एगो सोखा से मुलाकात भइल। आ जब सोखा से मुलाकात भइल तो कहलन कि तोहार जीवन घर में एगो भौजाई बा ना, उहे कोखी मार दिले बा। आए हाय हाय, जीवन भाई भाई में इतना प्यार रहल, आज दुराव होके लागल। जीवन देवरान जेठान में इतना स्नेह प्यार रहल, वो सोखा के माध्यम से दुराव होके लागल। आज जब ससुराल से घरे अलन तो पूछत हम शंभू कि अरे बाबू सासू माई के तबीयत कैसन बा। सोहन कहत हम कि सासू माँ मर जातो से मतलब। जब उनका भाभी सावित्री सुननी तो कहने की का हो सैया, अरे भाई के इतना अपनी दिल से आगे टुकड़ा मनला हो, अपनी आँख का सितारा मनला, आई कहाँ बोलत हूँ। सोच लगलन कि ठीक बा, इनकी में गलती ना बा, इस समय सब कुछ करावत ना बा। आए धीरे धीरे सावित्री कहने की अब तो सैया हमनों का शारीरिक मिलन होके भी चाहिए। दोनों सोहन और मोहन दोनों एक के साथ में जब फार्म भरलन, दोनों औरत गर्भवती हो गई बाबू। आ जब गर्भवती हो गई तब भैल का मास्टर एक लन गीत विदेशिया के भाव से बातें के मास्टर कि धन्य हो विधाता तोहरी, गजब रचनावा हो, खुशियाँ समाइल बाते दोनों के रे आचारा। तब पावा भारी भैले देवरानियों जेठानियों के, धीरे धीरे आई गई नौवारे महीना। धीरे धीरे देवरान और जेठान के जब 9 महीना बीतल, 10 दिन कमती बा, बॉर्डर से सोहन फोन कैलन कि भैया एक काम करी कि समय से दोनों जो भौजी बाणी हमारे वाली बाणी ले जाके एक के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, बहुत पहले सचेत कर थवन। तब भर्ती भइले दोनों जाके एक अस्पतालवा में। पैदा भैले जेठानियों के सुघारा लालना, शंभू बाबू ले जाके दुनौन औरतन के हॉस्पिटल में भर्ती करा देहलन। आज जब धीरे धीरे 9 महीना पूरा भ गई तो उनकी भाभी की तन से यानी सावित्री की तन से सुंदर एगो लड़का पैदा भई। खुशी में पागल हो गलन। नर्स आयल, दरवाजा खोलस, कलस की बाबू 500 रुपया निकाला हमके। शंभू घबरा गए कि भाई हम तो उधार ना ले ले बानी, 500 रुपया ना करबो। कहला कि ना ना, तोहर बहुत सुंदर लड़का पैदा भई बा। खुशी में झूमे लगल। आ झूमत हम दौड़ के गए बाजारे मिठाई लेके अलन। आ सोचत हन कि पहले अपनी चल के सावित्री का मुंह मीठा कराई। इतने में सावित्री कहत हैं कि ना सैया ना, यही हॉस्पिटलवा में तो हमार देवरनियो न बा, तनी इंतजार ना कर सकत हुआ सैया, इंतजार करा। ओहू कतन से कुछ खुशखबरी सुन लिया संग ही पूरा हॉस्पिटल का मुंह मीठा कई जाई। आय हाय हाय, बर्दाश्त नहीं खे। और बाबू अब शीला के डिलीवरी के इंतजार शंभू बाबू बहरे होके करत हवन। आप सोचत हम का सोचत हम मास्टर कलन बाप कहनी की बंदर खुद जा जामुनावा में, खुद जा जामुनावा में मनला न कहना मारगी। घूम के बनरिया हो नाच गौवा नादारिया यार, गौवा नादारिया हो मारत बात बंगावन से मारगी। इता तर्जबा बिरहा में कितना सुंदर भाव लिखत हवन कवि जी। खुशी में झूमत हवन का, खुशिया में झूमे आजा शंभू चौहाना हो, शंभू चौहाना हो भैले आंगनवा गुला जा रही। बटते मिठाई आजा पूरे अस्पतालावा में, पूरे अस्पतालावा में सपना सजावे बड़ी यार जी। सपना सजावत होन कि या छोटको भाई का सुंदर लड़का हो जाए इतना तो पूरा मिठाई भर हॉस्पिटल में बटती। लेकिन इतने में तोले सोचते में नर्स आके दरवाजा खोल के बहरे जब आइल बा। अब बहरे आके शंभू बाबू से कहलस, का कहलस, कहली हाँ नर्स आई शंभू चौहाना हो, शंभू चौहाना हो पैदा भैया दुलारा जी। इतने में नर्स दरवाजा खोल के जब कहले बा कि तोहार शीला यानी भयो के गर्भ से लड़का पैदा तो भइल बा जरूर, लेकिन मूल लड़का पैदा भइल बा। आय है, छाती पीट के रोवे लगलन। छाती पीट के जब रोवे लगलन कहलन कि हे भगवान, ये हम का देखत हई, ये हमके का सुने के मिल गई, एगो कैसों के बेटा पैदा भइल। आज अब एकर दोषी हमार भाई हमके ठहरई हम। लेकिन जब मोल पैदा भइल लाल उतन में बेहोशी के हालत में परल हवन। नर्स का लश की 1 घंटा के बाद में शीला का होश आ जाई। सुनलन जा हाथ से मिठाई के डब्बा छूट गई। पागल होकर रोवे लगलन, बाबू हमारी किस्मत में, हमारे भाई के किस्मत में आग लग गई। लेकिन यह संदेश जाके सावित्री से कहत हवन कि मेरी जान, हमार छोट जन भाई का एगो लड़का पैदा भइले, दुनिया छोड़ के चल गई। अब कैसे का हुई, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की नारी कहे लगली कि सैया घबरा मत, हमार जन भाई बेटा है ना, ले जाके उनकी शेष पसुला दी हो, जियत बेटा आ उनकर मरल बेटा हमारी यहाँ लेके आव जा। ये समझावत है या कहते मास्टर आगे कैसे कि पत्थर करे जा कह के, अरे बोली है माया नवा सुनाए साजा ना, एक ठे मानी जा कहानवा सुनाए साजा। जीवन भाई खातिर सैया अरे सब कुछ लूटा वाला, अरतिया सुहागवा में अरे क्रिया खिया वाला, अरे खुशी खुशी ले जा हमारी हाई गोदी के सुगनावा सुनाए साजना। एक ठे मानी जा कहानवा सुनाए साजना, एक ठे मानी जा। सावित्री समझावत है कि सैया हमार हैजियत बेटा बाना, ले जा ओकरी गोद में सुला दी है। अब इन हमार देवरान बेहोशी की हालत में बा, और ओकर मूल बेटा हमार यहाँ लेके आ जा। आज वही बदल के लेके जब अलन उतने में बेहोश रहली, एकरी बात ख्याल हो गई। आज जब देवरान सुनली कि हमार जेठानी का लड़का भइल, वो भगवान के प्यारा हो गई, आ हमार लड़का जियत बा, तुरंत सोखा वाली बात याद आ गई। कहलस कि ओ हो इत हमार सैया ना कहले रहता तो एहू बारी हमार गोदी से लाल छीन जाई, लेकिन बेटा के पाके बहुत खुश आई। आज जवनी मतारी 9 महीना बेटा के ढोके आ पैदा कैली, आ कह के दूसरे के दे देली। आज वो खुशी में नहीं खे, दुखित में होके अपनी बेटा मान के दाह संस्कार करत बा। अजोने मतारी के बेटा मर गई बा, वो मतारी जीवित मान के बेटवा के आ गाँव गाँव घूम के मिठाई बांटा। इतने में बाबू भैल का मास्टर आगे तर्जमा कैसे भाई। अरे कहिदा भौजी भैया से मोर, अरे कहिदा भौजी भैया से मोर, दे दे तन गावाना सुंदर भाव बा। अरे उठवली अपने गोदिया में लाला नावा हो, पहलो के मरली रे पापिल दूसरों के माराली अरे पापिल बजनी बाबू हॉस्पिटल से देवरानी और जेठान दोनों का छुट्टी होके जब घर अलिन 2 महीना बीतल फौजी जवान सोचता कि 3 पंथ के बाद ये हमारे दिल में बा कि हमार लड़का पैदा भइल बा काहे न चल के हम खिलाई। आज वही अलन घरे वही दिन माई का ममता छछनत बाहो शंभू बाबू बाजारे गइल हवन आ वही बीच में सावित्री अपन कलेजा पत्थर के अपने भाई के तो लड़का दिले बाणन लेकिन वो लड़का के गोदी में जब उठौलिन इतने में तमतमात चेहरा लेकर के शीला आई कलश की अरे बाजिन 3 गो बेटा खा घल्लू काहे हो कि तू खा गलबो। इतने में सोहन कहलन कि अरे का भइल रे सैया देखत न हवा ई बाजिन हमार गोदी का लड़का छीन लेला 3 गो आयो के गोद में उठा ले लिया ई त जान से मार दिल रही। सोचलन ना विचरलन हाथ में डंडा लेके आ तुरंत अब कैलन का मास्टर गीत बजा गए कि अरे झाझर मालौआ जन छा ओ यार बाबूजी हो झाझर मालौआ जन छा ओ यार बाबूजी हो लगे सुरू जावा के जो होता हो में कितना सुंदर भाव बा। सोहन सोचत समझत ना हवन कैलन का हाथ में डंडा लेकर के आ कैलन का बाबू दौड़ल बा सोहन ले हाथवा में लाठिया हो दौड़ल बा सोहन ले हाथवा में लाठिया हो देहला ना परचा लाया को दारा दिया ना भैल देवरानी आके तन को दारा दिया ना भैल देवरानी आके मारे ना डंडावन के मारा हो बाबू सोहन हाथ में डंडा लेकर के और उनका पत्नी शीला दौड़ पड़ने सावित्री के इतना मार मरने के बाबू शायद होके जिंदगी में याद हुई। इतने में कभी का कलम कांप गए, तेरी का भाव बाकी सेमेस्टर कियर मनौता की परिभाषा हो, मनौता की परिभाषा रो परी त्याग बलिदान तपस्या ए बाबू इतना मार मरलन कि अचेत हो गई सावित्री। इतने समय में शंभू बाजार से जब गांव में एलन बल्टा ले हवन, साइकिल ले हवन, गांव का लोग कहलन कि बाबू बल्टा साइकिल लेके दौड़त हुआ, तोहरी पत्नी सावित्री के तोहार भाई या तोहार देवरान इतना भयो, इतना मार मरले बाणन कि बेहोश पड़ल बाणी, देखा तो मर गए कि जियत है। इतने में सुनलन बल्टा साइकिल फेंक के हाथ में लाठी लेके आ दौड़ के अलन, कलन कि जरूर हमार पत्नी सावित्री अशब्द बात का प्रयोग कैले हुई, नहीं कुछ जरूर उल्टा सीधा काम कैले हुई, नहीं तो हमार भाई ऐसा ना हो सकेला। इतने सोचत में आ दौड़ करके जब अलन धीरे धीरे उनके यानी सावित्री के होश आ गई बा। आ जब होश आ गई तो कहथुन कि का भइल, काहे के अशब्द बात बोलू। कहथुन सावित्री कि स्वामी ई हाथ में लाठी में चमकावा। कहलन का मास्टर अल्लाह की भाव से बदनिया में ए बाबू लागल बा अग्निया, हमरो बिरानावा से कैल तकरार, हथवा में लठिया उठा के तोनी दुनिया, घर के तरफ जब हाथ में डंडा लेके दौड़न अलन। कहते हैं कि सावित्री ये सैया हाथ में लाठी का चमकावत हुआ, लाठी के फेंका हमा गर्दन के डाटा, हम दुनिया छोड़ के चल जाए, सब आवत है तो हमारे गलती देतबा, हमारे नियर बजर करेजा के करबा, बतावत है सावित्री शंभू अपन सैया से। अरे याद करा सैया जहिया ले इलाका वाला औरा, अरे याद करा सैया जहिया ले इलाका वाला औरा, अरे सजिया पकैला जवन कौला हो करारा, जौने भाई खातिर सैया कर चला के दिनिया, अरे कुछो न कहली तैया सुनोला हमारा, अरे कौन मतरिया के बजरा करे सैया हाथ में काला थी चमकावत हवा। याद कर सैया जवन औरत अपनी देवरान और जेठान खातिन के 9 महीना गोदी में पाल के लड़का के पैदा करके अपनी देवरान के दे दिलस सैया अपन सिंदूर का हम ना देखले सैया आप हमार स्वामी हो ना किडनी के बेच के अपने भाई खातिर के नौकरी खातिर के पैसा लिया के दे दिला भला बताओ वो औरत कैसे विश्वास बा कि तुम्हारी भाई और तुम्हारी भाइयों के कुछ कही सोच गलन कि हमार औरत सही कहत बा। कला कि बस सुबह होई 4 गो पंच लोग के बिटोरब आ हमारा उनका अलगाव हो जाये इतनी बात कहते ना 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 स्वामी ना आज अलग हो जेब तो तुम्हारी माई का ममता का कही जन वादा करके गई लल्हा ऐसा गलती ना हो के पावे सैया ऐसा गलती ना हो पावे जवन सेज पहमन का करार के ले जा उहे बात होके के चाहिए सैया उहे बात होके के चाहिए कहला कि ठीक बाई ना हो तो चला हमन का घर में छोड़ के चल जा आई पूरा लेके दोनों पराने रहा सर। इतने में सोहन के निद्रा आ गई आ सोहन और उनका शीला दोनों सूत गए आई दोनों प्राणी शंभू और उनका पत्नी 12 बजे रात घर से छोड़ के निकल गईलन। 3 बजे भोर में जब नींद टूटल तो देखत हमन कि घर का दरवाजा पूरा खुले बा आ भैया भाभी घर में छोड़ के चल गईलन। जाते वो जंगल में जब पहुँचलन भैया एहर से छोट भाई दौड़े जात हवन भैया रुक जा उनका भाभी समझाओ थे कि स्वामी दौलत हमार देवर आवत हो उनके शंका हो कि कहीं रुपया पैसा गहना लेके तो जाते हैं जा ऐसे बढ़िया बाकी रुक जा जा करके और भैया भाभी के चरण में गिर पड़लन कहलन कि ना अब घर से निकल के नहीं जा जीवन हमन का फर्ज अदा कर ले जा अब तू अपनी पत्नी के लेके खुश रहा कहलक ना भैया सर कट जाए लेकिन हम सब बात सुन के हमारे दिल में सोच ले बानी नहीं तो हम गर्दन कटा के हमें अपन जान दे लेके चला। बाध्य होकर के शंभू और उनका पत्नी घर जब अलन तो उनका औरत बक्सा लेके और लड़का लेके नैहर का तैयारी करत बा। सोहन लाठी उठा के आ इतना मार मरलन बेहोश हो गई बेशरम लाज तन को नहीं खियावत और जवनी औरत अपनी गोदी का लाल तो हके दे दहली किडनी भैया बेच के आ हमके नौकरी धरौलन इतने ना जाओ नर्सिंग होम के डॉक्टर से पूछल मर्यादा का बात लेकर के हमार भैया एगो भाई और भाइयों खातिर कितना कैलन हमार भैया ऐसा ना हवन सोचे लगन अपने में दोनों भाई मिल के खुशी हवन लेकिन कहना कि ठीक बा। सावित्री सोचत है कि हमार तो अब ये दोनों भाई मिल गए लेकिन हमार बहन रूठ के नैहर जात बा एकर का भैया मार के फरला वासर का एकर कीमत ना चुका बा अपने सर के कीमत का उ खून का कीमत मांगतिया कैसे मास्टर करी कि हमारी खून के कीमतिया चुकावा बबुआ अरुसल जाल मोर बहिनिया मनावा बबुआ सावित्री कहत है कि जब हमार छोट बहन शीला घर में ना यहाँ तो हम रहम ना फिर भी सोहन समझाओ था कि अरे बेशरम कहन की जा करके भाभी का पैर पकड़ आज भी तेरे प्रति उसका कितना दया है कि तुम्हारे लिए वो पैर घर में नहीं रख रही है। जनली हसीना जबकि सगरी कहानियाँ माफी मांगो सारी खींचे धाई के चरनिया से चल के गुलसनवा सजावा बबुआ, अरे फिर से चल के गुलसनवा सजावा बबुआ, अरु चल जाल मोर बहिनिया मनावा बबुआ। शीला सोहन अपने भैया भाभी की पैर पर गिर के क्षमा मांगत हवन और दोनों अपने गले से मिलत हवन आ कहत हवन कि फिर हमन के बढ़िया से जीवन यापन कल जाई। आज के बाद फिर ऐसा ना गलती होके के चाहिए। तो हमार बिरहा गौला का ही मतलब बा कि सावित्री जैसे भाभी होनी चाहिए और शंभू जैसा भाई। तो बटता हुआ परिवार, बिखरता हुआ परिवार पुनः सुलझ जाएगा और जिंदगी में भी सबको आनंद मिलेगा और समय कट जाएगा। कहनाम्बा छाप में कहनाम्बा। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु धन्य भाई का प्यार, अरे ना कोई शंभू है ना बनता परिवार, अरे मानवता की परिभाषा रो पड़ी, अरे मानवता की परिभाषा रो पड़ी। गाँव देवचंद सुबेदार गुरु चरण के आशा, मानवता की परिभाषा।